हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वाटर बॉर्न डिजीज एंड देयर कंट्रोल मेजर्स। सो पानी शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पानी की वजह से बहुत सारे रोग फैल सकते हैं जिसे वाटर बॉर्न डिजीज बोलते हैं, ड्यू टू मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, वायरसेस एक्सेट्रा। सो बेसिकली वाटर बॉर्न डिजीज आर दोज डिजीज विच आर स्प्रेड प्राइमरली थ्रू कंटामिनेटेड वाटर दैट कंटेन्स पैथोजन। पैथोजन मतलब जो हार्मफुल और डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं इन योर बॉडी थ्रू वाटर। तो जैसे आप बाथिंग कर रहे हैं, वॉशिंग, ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड विच इज़ एक्सपोज विद द इन्फेक्टेड वाटर, कोई भी ऐसा खाना आप खा रहे हैं जिसमें कंटामिनेटेड वाटर यूज़ किया गया है, तो आप बीमार पड़ सकते हैं, जिसे वाटर बॉर्न डिजीज बोलते हैं। तो बेसिकली डर्टी वाटर या ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, दैट इज़ द मेजर रीजन बिहाइंड दिस वाटर बॉर्न डिजीज। सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कर सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंट्स। सो ज़्यादातर जो नॉन वाटर बॉर्न डिजीज है वो है टाइफॉइड फीवर, पैराटाइफॉइड, कॉलेरा, डिसेंट्रीज, गैस्ट्रोएंट्राइटिस एंड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। सो मेजरली आप इसको चार ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन किस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज हो रहा है या फैल रहा है। तो बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, देन प्रोटोजोअल डिजीज, वर्म या हेलमिंथिक डिजीज। सो विल सी वन बाय वन। तो सबसे पहला कॉमन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें पैराटाइफॉइड बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो एपिडेमिक भी फैला सकता है, मतलब रोगचाला फैला सकता है इन द पर्टिकुलर रीजन। और जनरली उसका जो सोर्स होता है, तो सरफेस वाटर सोर्स कंटामिनेट होता है जब ह्यूमन फेसिस या यूरिन की वजह से, और उसके अंदर सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, तो टाइफॉइड फीवर होता है। दूसरा होता है पैराटाइफॉइड फीवर। सो ये जो है मोस्टली ड्यू टू इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, जैसे आप खा रहे हैं जिसके अंदर माइल्ड या ड्राइड फ्रोजन एग है या कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके इसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं बैक्टीरिया। तो ये होता है नॉर्मली सेल्मोनेला पैराटाइफी ए बी सी की वजह से। सो टाइफॉइड फीवर, पैराटाइफॉइड फीवर, ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। उसके अलावा एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉलेरा। तो वो भी कंटामिनेटेड पानी, जो ह्यूमन फीकल मटेरियल, ह्यूमन फेसिस की वजह से जो कंटामिनेट हुआ हुआ है, या फिर कंटामिनेटेड फूड या पर्सनल कॉन्टैक्ट की वजह से भी ये फैल सकता है, जिसे जो बैक्टीरिया है वो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ह्यूमन फिकल कंटामिनेशन की वजह से कॉलेरा नॉर्मली फैलता है अगर पानी में हो तो। नेक्स्ट आता है बैसिलरी डिसेंट्री। सो वो फूड की वजह से, ऐसा फूड जिस दैट इज़ कॉन्टामिनेटेड बाई फ्लाइज एंड अनहाइजेनिक फूड हैंडलर की वजह से, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, शिंगेला, एस फ्लेक्सनरी, एस सोनेरी, एस बॉडियाई। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया जो बैसिलरी डिसेंट्री करते हैं। नेक्स्ट आता है वायरल या वायरस की वजह से होने वाले डिजीज। सो वायरल वायरस जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं इन द इंटेस्टिनल वॉल एंड दे आर डिस्चार्ज इन लार्ज नंबर्स इन ह्यूमन फीसिस। और ऐसा पानी के अंदर ह्यूमन फीसिस है जिसमें वो पर्टिकुलर वायरस है, तो वो पर्टिकुलर डिजीज फैला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस या इन्फेक्शियस जॉन्डिस विच इज़ कॉज बाई हेपेटाइटिस वायरस, एंड पोलियोमलाइटिस विच इज़ कॉज्ड बाई पोलियो वायरस। तो वायरस की वजह से नॉर्मली हेपेटाइटिस और पोलियोमलाइटिस होता है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ वायरस, प्रोटोजोआ है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एमोबिक डिसेंट्री दैट इज कॉज बाय एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये प्रोटोजोआ का एक स्पीसीज है। देन गिराडियासिस दैट इज कॉज बाय द गियारडिया लेम्बालिया, दैट इज द नेम ऑफ द प्रोटोजोआ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वाटर बॉर्न डिजीज। वर्म्स यानी कि हेलमिंस, उसकी वजह से भी ये होता है, बहुत ही ज़्यादा इनसेनेटरी कंडीशन की वजह से ये फैलता है, और प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल सिस्टम ना हो तो उसमें ये वर्म्स देखे जाते हैं। तो उसके इसमें जो मेजर वर्म डिजीज है वो सिस्टोसोमाइसिस, जिसे ब्लड फ्लू को डिजीज भी बोलते हैं, कॉज्ड बाय सिस्टोसोमा, दैट इज द हेलमिंथ रिस्पॉन्सिबल। देन इकेनिया कोकस की वजह से ये इकेनिया कोकाइसिस ये फैलता है। देन ड्रैंकोटाइटिस दैट इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर वर्म दैट इज कॉल्ड एज ड्रैंकुनकुलस। सो दिज आर सम ऑफ द डिजीज, बट मेन यू शुड नो दैट बैक्टीरिया, वायरस,
हेलमिंथ्स एंड प्रोटोजोआ, ये चार रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो ही फैलते हैं थ्रू वाटर। ये सब पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी के थ्रू फैलते हैं, कंटामिनेटेड फूड की फूड या कोई भी अनसेनिटरी कंडीशन है उसकी वजह से पानी के थ्रू फैलते हैं तो वाटर बॉर्न डिजीज करते हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ ऑल द वाटर बॉर्न डिजीज, देन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ्स, जिसकी वजह से ये फैलते हैं पानी की वजह से। सो कौन से एरिया में ज़्यादा रिस्क होता है, तो जहाँ पे इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई है, प्रॉपर नहीं है, पुअर क्वालिटी का वाटर सप्लाई किया जाता है, सीवेज लाइन पाइपलाइन प्रॉपर नहीं है, पुअर सैनिटरी कंडीशन है, ओपन वेल या स्टेप वेल यूज़ करते हैं जो कवर्ड नहीं है, वो आपका सोर्स ऑफ वाटर है, ओपन डेफिकेशन होता है तो वो आपके सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के पास है, पुअर डिस्पोजल सिस्टम है फॉर द ह्यूमन एंड सॉलिड वेस्ट, कॉन्टामिनेटेड वाटर जो आप यूज़ करते हैं टू वॉश योर यूटेंसिल्स, पानी से नहाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स धोते हैं और उसको फिर आप खाते हैं तो उसकी वजह से वो फैलता है। एंड ऑल्सो ऐसा आइस जो आप यूज़ करते हैं जो कंटामिनेटेड वाटर से बना हुआ है, अनरिलायबल सोर्स से, तो वो भी वाटर बॉर्न डिजीज कर सकता है। जैसे मॉनसून या समर सीजन में जब हम ऐसे बर्फ खाते हैं जिसकी वजह से भी ये फैल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ पैथोजेंस हो सकते हैं। सो व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स फॉर वाटर बॉर्न डिजीज? सबसे पहले तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना बाय द कॉरपोरेशन, दैट इज द वेरी मच एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो जनरली कॉरपोरेशन पीपल दे शुड डू द डिसइंफेक्शन एंड वाइडली यूज डिसइंफेक्टेंट इज क्लोरीन। सो क्लोरीनेशन करते हैं तो वो नॉर्मली अंडरग्राउंड सम्प में करते हैं, फिर पंपिंग होकर पानी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आता है, तो इन बिटवीन भी कंटामिनेशन हो सकता है। तो जब आपके घर पे पहुंचता है पानी तो मिनिमम 0.2 मिलीग्राम पर लीटर रेसिडुअल क्लोरीन, मीन्स बचा हुआ क्लोरीन होना चाहिए, सो दैट के रीड कंटामिनेशन ना हो और आप उसको सेफ ड्रिंकिंग सेफली उसको पी सके और आपको वाटर बॉर्न डिजीज ना हो। अगर कोई पैथोजन भी है तो ये रेसिडुअल क्लोरीन जो आपके घर के अंदर का पानी है वो उसको फाइट कर सकता है, उसको किल कर सकता है एंड वाटर बॉर्न डिजीज नहीं हो सकता। सो सबसे पहला रिक्वायरमेंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना। जैसे कोई भी सप्लाई है एग्जिस्टिंग हैंड पंप या वेल इन द सिटी, वो प्रॉपरली चेक करनी चाहिए और वहाँ पे भी डिसइंफेक्शन करना चाहिए। माइक्रोबियल एनालिसिस होना चाहिए वाटर का, तो पता चले कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। देन अगर एपिडेमिक्स मतलब कोई बड़ा रोग चढ़ा आ गया है पर्टिकुलर एरिया में, तो प्री एंड पोस्ट क्लोरीनेशन दोनों करना चाहिए, बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट। क्लोरीन की टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। देन बॉइलिंग ऑफ वाटर, प्योरिफिकेशन सिस्टम दैट शुड बी अडॉप्टेड। देन फूड सेफ्टी, पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल लेवल पर ये सब हाइजीन मेंटेन करें। ओपन एयर डेफिकेशन नहीं होना चाहिए, फूड हाइजीन का एनफोर्समेंट होना चाहिए थ्रू कॉरपोरेशन। जैसे काफ़ी बार आप देखते हैं कि पानी पूरी वालों को बंद करवा देते हैं जब ऐसे वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, क्योंकि पानी के थ्रू ही ये फैलता है, तो अगर प्रॉपर पानी यूज़ नहीं किया तो फूड हाइजीन नहीं मेंटेन होता है और उसकी वजह से ये वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं। तो एनफोर्समेंट करवाना कि प्रॉपर पानी यूज़ करें, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट इज इफेक्टिव गार्बेज एंड बायोमेडिकल वेस्ट रिमूवल। प्रॉपर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर कलेक्शन ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर एज वेल एज कोई भी इंडस्ट्रियल है या कोई भी वेस्ट वाटर है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होके उसका डिस्पोजल होना चाहिए ताकि आपके जो वाटर सोर्स है वो कंटामिनेट ना हो। वाटर सप्लाई जो है उसके पाइपलाइंस रेगुलरली चेक होने चाहिए, लीकेज अगर है तो कंटामिनेशन है तो प्रॉपरली उस लीकेज को आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर सीलिंग होना चाहिए। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन नॉर्मली सीवर के ऊपर होने चाहिए ताकि कोई भी कंटामिनेशन होता है अगर सीवर के थ्रू लीकेज तो वो आपके पाइपलाइन अगर ऊपर है वाटर सप्लाई पाइपलाइन तो उसमें वो ट्रांसफ़र नहीं होगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स, जो भी हमारे ड्रेनेज पाइपलाइंस है उसमें रेगुलर क्लीनिंग होना चाहिए, फ्लाई एंड मॉस्किटो न्यूसेंस उसको रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा दैट शुड बी डन। देन अवेयरनेस अमंग्स द पीपल, देन इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड कि कैसे पानी को स्टोर किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उसको प्रॉपरली कंटामिनेट ना हो, उसके लिए ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। एंड सबसे बड़ा जो इसके अगेंस्ट है वो है क्लीनलीनेस। अगर हम प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप घर में क्लीनलीनेस रखें तो वाटर बॉर्न डिजीज को आप रोक सकते हैं। सो स्वच्छ भारत अभियान इसी का एक पार्ट है जिसमें हर जगह अगर आप स्वच्छता मेंटेन करते हो तो जितने भी हमारे जो वाटर बॉर्न डिजीज है एंड अदर डिजीज है उसको आप रोक सकते हैं। सो
यू शुड बी अवेयर दैट कि आप जो भी पानी पी रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।